देश की सियासत में बजरंग बली की एंट्री हो गई है। बजरंग दल पर कांग्रेस की चुनावी घोषणा पर सियासी घमासान मचा हुआ है। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को पत्र लिखा है और सवाल पूछा है। कमलनाथ खुद को बहुत बड़ा हनुमान भक्त बताते हैं। कमलनाथ को घोषणा पत्र पर स्पष्ट करना चाहिए, सोनिया गांधी को भी स्पष्ट करना चाहिए। ये सवाल किया नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ से। कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, ये बड़े आरोप लगाए नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर। जो माननीय कमलनाथ जी को मैंने लिखा है, मैंने कई उनके ट्वीट देखे, वो बहुत बड़े हनुमान भक्त अपने आप को बताते हैं। अब स्पष्ट करें आदरणीय कमलनाथ जी, जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, दृष्टि पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट आज किया है, ताजा, अपनी पुरानी सरकार के वक्त का, कि वो उस समय प्रतिबंध लगाना चाहते थे। सोनिया गांधी जी को भी स्पष्ट करना चाहिए, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहिए। उनके बेटे और बेटी जब मध्य प्रदेश में आते हैं तो मंदिर मंदिर जाते हैं चुनाव के वक्त। ये तुष्टिकरण की राजनीति जो कांग्रेस कर रही है, इसका जवाब कर्नाटक की जनता तो देगी ही। तो साफ तौर पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप नरोत्तम मिश्रा ने लगाया। इस वक्त हमारे साथ में बीजेपी के नेता, प्रवक्ता और सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे नरेंद्र पटेल साहब जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया है कर्नाटक में कि बजरंग दल को बैन किया जाएगा अगर मध्य प्रदेश में सरकार आती है, और अगर यही मैनिफेस्टो, यही बिंदु मध्य प्रदेश के घोषणा पत्र में भी शामिल होता है, तो क्या रिएक्शन आपका बीजेपी का मध्य प्रदेश में? ना देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने कर्नाटक में तुष्टिकरण की नीति का पालन करते हुए जो हमेशा करते रहे हैं, बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी, बहुत शर्मनाक है। और पीएफआई से उसकी तुलना करना, पीएफआई जो विदेशी धन से चलने वाला संगठन है, जो भारतवर्ष में विभिन्न तरीके के षड्यंत्र कर रहा था, जो 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कर रहा था, उसकी षड्यंत्र कर रहा था, ऐसे संगठन से बजरंग दल की तुलना करना, राष्ट्रवादी संगठन की तुलना करना, मैं समझता हूँ बहुत शर्मनाक है। जो कांग्रेस रामचंद्र जी को काल्पनिक कहती थी, जो इसने हलफनामा दिया सर्वोच्च न्यायालय में, रामचंद्र जी को भी इन्होंने काल्पनिक कहा, निश्चित रूप से उनको बजरंग दल से आपत्ति होनी चाहिए। मेरे को लगता है तुष्टिकरण की नीति के लिए वो सोचते हैं कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा के वो किसी को खुश कर लेंगे, क्योंकि बजरंग दल वो संगठन है जिसने राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन किया। अब कांग्रेस वाले भी राम मंदिर का श्रेय लेने की दौड़ में दौड़ते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है इससे करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। उसी राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन करने वाले लोग, उसी राम जन्मभूमि को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले संगठन के पर यदि प्रतिबंध की बात कांग्रेस करती तो ये बहुत शर्मनाक बात है। और मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी ऐसा सोचते हैं, तो उन पर निश्चित रूप से, जैसा कि नरोत्तम मिश्रा जी ने अभी कहा, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय नरोत्तम जी ने जो बात कही है कि इस पर कमलनाथ जी पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा, जो अपने आप को एक तरफ बजरंग बली का भक्त कहते हैं, दूसरी ओर बजरंग बली के नाम पर बना हुआ एक राष्ट्रवादी संगठन पर प्रतिबंध की बात केवल किसी वर्ग विशेष को खुश करने के लिए कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही निंदात्मक कदम है कांग्रेस का। अगर कर्नाटक में सरकार बनती है कांग्रेस की, और अगर ऐसा ही फैसला, ऐसा ही घोषणा पत्र लागू किया जाता है, बैन कर दिया जाएगा, तो क्या ऐसे कई और संगठन हैं उन्हें भी बैन करने की कोशिश कांग्रेस करेगी? बिल्कुल, देखिए पहले कांग्रेस बहुत प्रयास कर चुकी है, उसने तो विभिन्न राष्ट्रवादी संगठनों पे प्रतिबंध लगाए हैं। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा के अनेकों अनेक संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था, पूरे विपक्ष को कुचलने का काम किया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत की धरती पर ये सब चलने वाला नहीं है, और कितनी बुरी तरह इंदिरा गांधी के उस कदम को पूरे देश की जनता ने नकारा था, ये हम सबको ध्यान में है। सर लेकिन बजरंग दल वाले ही क्या हनुमान जी की उपासना करते हैं सर? ना देखिए, बजरंग दल का कोई पेटेंट नहीं है कि बजरंग दल, बजरंग बली की पूजा केवल बजरंग दल वाले कर रहे हैं। बजरंग बली की पूजा तो पूरे देशवासी करते हैं, और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ बजरंग बली जी के भक्त रहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी भी उनको मानते थे बजरंग बली का, उन्होंने कई बार उदाहरण दिया, और उनका
विग्रह भी रखते थे बराको मोहम्मद जी। तो मैं समझता हूँ कि ये बजरंग बली केवल एक संगठन या एक वर्ग या संप्रदाय या धर्म विशेष लोगों का अधिकार नहीं है। बजरंग बली तो विश्वव्यापी एक ऐसे जिस चिरंजीवी हैं जो जो अभी भी माने जाते हैं कि जिनकी मृत्यु नहीं होती है, ऐसे चिरंजीवी देवता है वो। तो मैं समझता हूँ कि उन पर केवल बजरंग दल अकेले का अधिकार नहीं है, संपूर्ण धरती पर रहने वाले प्राणियों का उन पर जिसका भी श्रद्धा हो वो श्रद्धा रख सकता है, पूजा कर सकता है। लेकिन बजरंग दल जो कि बजरंग बली के समान ही राम भक्त है और राम जी के काम में लगा रहता है और रामचंद्र जी की जन्मभूमि को भी जिसने मुक्त कराने के लिए और आज ठीक है सर मंदिर का निर्माण। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नरेंद्र जी, नरेंद्र पटेल जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अब देखना होगा कि बजरंग दल बैन के इस घोषणा पत्र पर सियासत कितनी गर्माती है और मध्य प्रदेश में इसका कितना असर देखने को मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आगे